हे गाइस, मैं हूँ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सबसे हेल्दी रोटी। गेस कौन सी रोटी है? सो गाइस, है रागी की रोटी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको इसकी परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी। सो गाइस, रागी के वैसे तो बहुत ही सारे बेनिफिट्स है, मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बताती हूँ। रागी में बहुत सारा कैल्शियम है, वो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कराएगा। उसमें एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हो, स्किन को क्लियर करेगा, सॉफ्ट करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करेगा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करवाएगा डायबिटिक वालों को। ये सबसे अच्छी रोटी है। जो मम्मा ब्रेस्ट फीडिंग करती है उनके लिए ये रोटी सबसे अच्छा ऑप्शन है। ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कराएगा। किड्स के लिए भी ये रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो लेट्स मेक। तो यहाँ पे मैंने रागी लिया है, रेड वाला जो हमारा रेगुलर रागी रहता है, वो मैंने सैंपल आपको दिखाने के लिए लिया है। यहाँ पे मैंने रागी का आटा बनाया है, वो मैंने घर पे मिक्सी में बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, पॉट लिया है, और उसमें एक कप पानी ऐड करेंगे, एक या डेढ़ कप। आप जितना क्वांटिटी ले लोगे, एक कटोरी आपका आटा होगा तो एक डेढ़ कप पानी लगेगा। अब हम ऐड करेंगे सम सॉल्ट। सॉल्ट आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगे तो ऐड करना, नहीं तो नहीं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि इससे रोटी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है। यहाँ पे पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। गैस को बंद कर दिया है, अब मैं आटा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा आटा मैंने बचा के रखा है रोटी को लगाने के लिए। अब आटा अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे। ज़्यादा आटा गीला नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा उसको मॉइस्चर आना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद करके ये सारा प्रोसेस करना है। ऊपर से अब थोड़ा सा घी छोड़ देंगे क्योंकि आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, और ऊपर से हम इसे 5-6-7 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। ओके, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आटा बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। ज़्यादा गीला नहीं करना है आटे को, बस इस तरह से करना है, आप देख सकते हो। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा हाथ में घी लगा कर आटे को अब प्लेट में ले लेंगे और उसको अच्छे से सॉफ्ट करेंगे रगड़ के। आटे को पूरा एक साथ मिला के अच्छे से सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा आटा या घी भी ले सकते हैं हाथ में। देखो, मैंने आटा कुछ इस तरह से बनाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है, आटा लिया है, घी लिया है, वाइट कपड़ा लिया है कॉटन का। अब हम छोटी छोटी रोटियाँ बनाएंगे। तवा गर्म हो चुका है। आप वेट लॉस करना चाहते हो हेल्दी वे से, तो इस रोटी को आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करना एंड बेनिफिट्स देखना। ये रोटी कम्प्लीटली वेट लॉस करवाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इस रोटी को ब्रेकफास्ट में, लंच में भी खा सकते हैं। एक बार आपको आटा अच्छे से बन जाए ना आपका, तो कोई क्रैक्स नहीं आएंगे रोटी में। ये देखो, मैंने कितनी सिंपल तरीके से ईजीली, एक भी क्रैक्स नहीं दिख रहे। बहुत सारे लोग इसको नहीं बना पाते क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होती है, तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स आते हैं, रोटी टूट जाती है। ये देखो, इस तरह से बनाओगे आप जो मैंने बताया है, तो इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी रोटियाँ आएंगी। देखो, मैंने इतना इजीली
सा गोल रोटी बनाई है, एक भी क्रैक्स नहीं है उस पर। अब हम रोटी को सेकेंगे। थोड़ा सा मैंने तवे पे घी लगाया है। अब हम रोटी को अच्छे से सेकेंगे। हे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रोटी है गाइज, आप अपने लाइफस्टाइल में इसको ज़रूर ऐड करना। जब आप इसको एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना कंटिन्यू करोगे तो आपको भी इसके बेनिफिट समझ में आएंगे धीरे धीरे। हम लोग हमारी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो छोड़ देते हैं और वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हो। ये जो हमारी रागी की रोटी है आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करना, आपको इसके बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा। वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रोटी खाना ही खाना है आपको। ये देखो कि इस तरह से फूली फूली सॉफ्ट रोटी बनी है। पाँच दस मिनट में ये रोटी बन जाती है, इतना कुछ टाइम भी नहीं लगता है इस रोटी के लिए। ऊपर से इसे घी लगा के इसको गरम गरम खाना है। गरम गरम ही आप इस रोटी को खाओ, गरम गरम ही अच्छी लगती है रोटी। इस तरह से मैंने और रोटी बना ली है। कंप्लीट ग्लूटेन फ्री रोटी है, आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, रोटी बनाते समय आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है जब आटा बनाते हैं तब, और उसको अच्छे से मसल के सॉफ्ट करना है। इसके लिए आप हाथ पे घी भी ले सकते हो थोड़ा सा। थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम की कमी है, बोन्स पेन होते हैं, जो जॉइंट पेन होता है हमारा वो, स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये रोटी सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप अपने लाइफस्टाइल में ये रोटी ज़रूर ऐड करना। हम खुद, हमारे घर में ये रोटी हमेशा बनती है, इससे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इस तरह से मैंने आप सारी रोटियां बना ली है। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।